देखो भैया पिछले 5 साल के पेपरों में से क्वेश्चन निकाले हैं, इनफैक्ट 5 नहीं मैं तो इसको 15 साल बोल रहा हूं, पिछले 15 साल के पेपरों में ये क्वेश्चन आए हैं, तरीके बदल गए हैं। पहले साल में ये दोनों एक साथ आए, दूसरे साल में ये दोनों एक साथ आए, तीसरे साल में पहला और चौथा एक साथ आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर आप देखो, आपके सामने पूरी सिचुएशन तैयार है। पहले वाले केस में आपको MnO4 नेगेटिव मिल रहा है, मतलब आपके पास में पोटेशियम परमैंगनेट है। यहां पर इन्होंने मेंशन ये किया हुआ है कि यहां पर इन्होंने एक्चुअली क्या ले रखा है, पानी। क्या ले रखा है, पानी। अब एक बात बताओ आप लोग खुद इस क्वेश्चन को क्या आप लोग सॉल्व करोगे? क्या मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूं तो आप लोग जरा फटाफट से इसको ऑब्जर्व करो, जल्दी 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 ऑब्जर्व करो और सॉल्व करना स्टार्ट करो। थोड़ा मीडियम का ध्यान रखना, मीडियम को ध्यान रखते हुए सॉल्व करेंगे। पानी होने का मतलब क्या हो सकता है, मीडियम कैसा है, न्यूट्रल। तो पहले वाले में न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल मीडियम में MnO4 नेगेटिव काय में बदलता है, सोचो। मैंने अभी सिखाया है, पहले वाले में न्यूट्रल मीडियम में काय में बदलता है, ये MnO2 के अंदर। तो करेंगे सॉल्व, MnO2 लिखा, आगे बढ़े, H2O3 काय में बदलता है, SO4 डाई नेगेटिव के अंदर। बस बन गया आपका प्रोडक्ट, कर दिया आप लोगों ने इसको सॉल्व। अब आपकी इच्छा हो तो बैलेंस वैलेंस करते रहना बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई खास है ना। देखो यहाँ पर 8 MnO2 है तो 8 ये कर दो, 3 2 6 ये है तो 6 ये कर दो, हो गया बैलेंस। क्या करना है, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा SO4 है तो हाइड्रोजन है, सो डेफिनेटली H2SO4 में बदलेगा, तो ये मैंने इसको H2SO4 लिख दिया, 6H2SO4। तो यहाँ पर आप लोगों को लगाना पड़ेगा भाई 6 × 12, तो 6 पानी के मॉलिक्यूल लगेंगे इस तरीके से। फिर आप ऑक्सीजन चाहे तो ऑक्सीजन बैलेंस कर दें, 8 × 2 = 16, 6 × 4 = 24, 6 × 4 = 24, 24 और 16 कितना हो गया, 30 = 40, 40 यहाँ पर कितना, 8 × 4 = 32, 3 × 3 = 9, 9 × 6 = 15, 15 मतलब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो फिर आपको यहाँ पर कुछ OH नेगेटिव और जोड़ना पड़ेगा। तो आप इतना ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, आप बस क्या करो, आप MnO2 लिखो, SO4 डाई नेगेटिव लिखो, और क्योंकि यहाँ पर पानी है, वाटर OH नेगेटिव बनाएगा, इसको लिख के आगे बढ़ो। अगला वाला कंपाउंड एसिडिक मीडियम है, Cr2O7 डाई नेगेटिव किसमें कन्वर्ट होगा, Cr3 पॉजिटिव में, स्टेनस काय में बदल जाएगा, SN4 पॉजिटिव में, और ये होने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव होने की वजह से वाटर लग जाएगा। अगर आपको बैलेंस करना हो तो कर लो, नहीं करना हो तो जान दो, आगे बढ़ो। यहाँ पर क्या होगा, एसिडिक मीडियम है, MnO4 नेगेटिव एसिडिक मीडियम में काय में बदल जाता है, Mn डाई पॉजिटिव में 2Mn डाई पॉजिटिव, S के ऊपर माइनस चार्ज है, सल्फर में बदल जाएगा, ये H2 ऑक्यूपाई बन सकता है, ये H2 बन जाएगा क्योंकि उसी पर इसका माइनस 2 चार्ज होता है सल्फर पे, और आपको वाटर मिल जाएगा, H2 पर 0 चार्ज। अब यहाँ वाले केस में यहाँ पर पहली बार आपको Cr2O7 एक बेसिक मीडियम में दिख रहा है ना, दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर गेटिंग दिस इन अ बेसिक मीडियम। अब बेसिकली बेटा जब ये बेसिक मीडियम में आपके सामने आता है तो कोई घबराने वाली या कोई ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है, मैं आपको एक रिएक्शन सिखा देता हूँ, बस वो आपको याद रखना है, यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा Cr4 डाई नेगेटिव के अंदर, 4 × 2 = 6, इस पर प्लस 6 चार्ज हो जाएगा, प्लस 7 से और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या होगा, Cr3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा ये, क्योंकि एसिडिक मीडियम और आयोडीन काय में कन्वर्ट हो जाएगा, आयोडाइड आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा, रिएक्शन खत्म, आगे बढ़ो। यहाँ पर नाइट्रोजन देखो, अच्छा MnO4 है एसिडिक मीडियम तो Mn डाई पॉजिटिव बन गया। यहाँ पर नाइट्रोजन पे चार्ज देखो, 2 × 4 प्लस हो जाएगा प्लस 3 है ना। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, प्लस 3 को प्लस 5 में बदलना पड़ेगा। नाइट्रोजन का अगला हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, प्लस 5, और वो कब मिल सकता है, जब ये NO3 नेगेटिव में हो, तो 3 × 3 = 6 हो जाएगा प्लस 5 एग्जैक्टली। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, NO3 नेगेटिव। कुछ भी नहीं करना है, मैं सिर्फ ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ, 2Cr3 पॉजिटिव बना दिया मैंने और इसको Fe3 पॉजिटिव लिख दिया, आगे बढ़ गया मैं। ये ऑक्सलेटो है,
तो एसिडिक मीडियम में Mn डाई पॉजिटिव लिख दिया इसको मैंने, और 2CO2 लिख दिया मैंने, और आगे बढ़ गया मैं। यहाँ पर क्रोमियम है तो 2Cr3 पॉजिटिव लिख दिया, और H2S को मैंने सल्फर लिख दिया, और आगे बढ़ गया मैं। सल्फर या आप H2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उधर बैलेंस कर देना, 2 लगा देना, तो ये हो गया बैलेंस। अच्छा, यहाँ पर अगेन 2Cr3 पॉजिटिव लिखा मैंने, 2CO2 लिखा मैंने, और आगे बढ़ गया। तो इस तरीके से आपके पिछले 5 साल 7 साल के जो क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको ये रिएक्शन कंप्लीट करने में प्रॉब्लम आ रही थी, अब ये रिएक्शंस आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब इन रिएक्शंस के अलावा, जैसे मैंने आपसे कहा है, आप लोगों को क्या क्या चीज़ों पर फोकस करना है, आपको फोकस करना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ KNO4 पूरी अच्छे तरीके से मैंने अपने चैप्टर में करवा रखी है मेरे वीडियोज में। K2Cr2O7 इन दोनों की केमिकल रिएक्शन, इन दोनों की मेथड ऑफ प्रिपरेशन अगर आप लोगों ने ठीक से पढ़ ली, तो इसके अलावा DNF ब्लॉक में अगर कोई रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आता है तो वो आप बड़े आराम से बना सकते हो। तो जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बताओ कि ये जो 3 वीडियोस थे कैसे लगे।